Today I am going to tell you a story about a cow and a frog. So in this story today we will learn that how frog saved his life with determination and with his never to give up attitude. Okay, so let's start. Once upon a time a frog was hopping around a farmyard when he spotted a cow. He decided to get a closer look at her. Whistling, he hopped towards the cow when plop, he fell into a pail of fresh milk. So, one day in a farmyard there was a big cow and a small little frog. So, the frog saw the cow from a distance and he decided to go near to the cow and have a look at her. So, the frog hopped. एंड स्टार्टेड गोइंग ट जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स वॉक करते हैं फ्रॉग हॉप करते हैं तो फ्रॉग हॉप 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 करते करते काउ के पास जाने लगे क्योंकि उनको काउ को पास से देखना था अभी जैसे ही फ्रॉग काओ के पास गए एंड एक्साइटमेंट में वो एक बड़े से फ्रेश मिल्क के पेल में जाकर गिर गए ओ माँ इतना बड़ा वो मिल्क का पॉट और इतना छोटा सा फ्रॉग बाप रे बाप ये तो टेंशन की बात हो गई नाउ लेट्स सी एज द फ्रॉग बिगैन टू ड्राउन ही बिगैन टू मूव हिज फीट टू सेव हिमसेल्फ ही स्वाम राउंड एंड राउंड ट्राइंग टू रीच फ्रॉम द साइड ऑफ द पेल बट द वॉल्स टू हाई एंड स्टीप ओहो जैसे ही वो फ्रॉग वो बड़े से मिल्क के पॉट में जाके गिर गए वो ड्राउन होने लग गए वो डूबने लग गए हमको भी जब स्विमिंग नहीं आती है तो हम क्या करते हैं स्विमिंग पूल में डूबने लग जाते हैं राइट right? अब जब अभी जब आप स्विमिंग के लिए जाते थे समर वेकेशंस में तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते थे पहले बेबी पूल में ट्राई करिए पहले बेबी पूल में स्विमिंग करिए उसके बाद बड़े पूल में स्विमिंग करेंगे क्योंकि जब आप छोटे बेबीज होते हैं तो आपको स्विमिंग नहीं आती है आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो हम बेबी पूल से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आप ड्राउन नहीं हो सके जहाँ पे आप डूब नहीं हो डूबे नहीं क्योंकि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर डूबने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो राइट तो उसी तरह क्योंकि हमारा फ्रॉग बहुत छोटा सा था वो बड़े से मिल के पॉट में डूबने लगा ऐसे करते करते उसने क्या किया वो अपने फीट्स चलाने लगा अपने फीट चलाते चलाते राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड एं राउंड, एं राउंड वो पॉट के घूमने लगा घूमते घूमते वो थोड़ा थक भी गया क्योंकि वो पॉट इतना बड़ा था और इतना डीप था और उसकी वॉल्स बहुत हाई थी और स्टीप थी तो किसी भी तरह वो फ्रॉग वहां से जंप नहीं कर पा रहा था बाहर नाउ लेट सी वॉट ही डिड ही ट्राई टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स टू पुश हिमसेल्फ ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल बट फाउंड इट टू डीप ओ मा वट द फ्रॉग ट्राई टू डू इज दैट स्मॉल लिटिल फ्रॉग ट्राई टू पुश फ्रॉम हिज बैक लेग्स ही ट्राई टू गो टू द बॉटम ऑफ द पॉट एंड ट्राई टू पुश फ्राम इज बैक लेग्स सो दैट ही कैन जम्प आउट ऑफ द पॉट हाउ एवर क्योंकि वो पॉट इतना बड़ा था और वो इतना डीप था कि फ्रॉक के छोटे से पाँव वो पॉट के बॉटम तक पहुँच ही नहीं रहे थे ऐसे ही होता है न जब हम छोटे बेबीज होते हैं एंड बड़े स्विमिंग पूल में चले जाते हैं तो हमारे पैर भी स्विमिंग पूल के बॉटम को टच नहीं कर पाते हैं हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को फ्लोट करने में स्विम करने में राइट right? उसी तरह फ्रॉग को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था उसके पैर भी नहीं पहुंच रहे थे वो डूबता जा रहा था बट देन लेट्स सी वॉट ही डिड द फ्रॉग वॉज डिटमाइंड एंड नॉट टू गिव अप ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट सो द फ्रॉग वॉज वेरी फोकस्ड टिटमाइंड उसने अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग बना रखा था कि मैं गिव अप नहीं करूंगा मैं इस बड़े से पॉट से बाहर आके ही रहूँगा आई विल कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग टिल द टाइम आई एम नॉट आउट ऑफ द पॉट दैट इज वॉट वी डू राइट जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप क्या करते हैं आप एक डिटर्मिनेशन लेते हैं कि बाबा इस बार तो मुझे अच्छे परसेंटेज से पास होना ही है एंड उसके लिए आप बिल्कुल फोकस से कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं एंड जब आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं फोकस से कॉन्सेंट्रेशन से अपना विल पावर स्ट्रांग रख के चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सम हो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि आपको एक करेक्ट आंसर मिले एंड जब आप अपने अच्छे एग्जाम्स देते हैं आपका रिजल्ट भी अच्छा होता है और जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो आप लोग बहुत खुश होते हैं एंड आपके पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होते हैं एंड आपको गिफ्ट भी देते हैं राइट right? So, with the strong willpower and determination, we can achieve whatever we want in life. Okay, kids, now let's see what the frog did. He kicked, turned, and twisted until at last all the shaking in the milk turned into a big chunk of butter. Wow! So, frog ne give up nahi kara. वो उस पॉट में उस बड़े से मिल्क के पॉट में टर्न होता गया ट्विस्ट करता गया किक करता गया फ्लोट करने की कोशिश करता गया और उसने वो मिल्क को इतना शेक कर दिया कि वो मिल्क से एक बहुत बड़ा बटर का चंक बन गया राइट right? सो so अगर आपने कभी देखा होगा अपनी मम्मी को बटर बनाते हुए तो मम्मा क्या करती है चिल्ड मिल्क को कोल्ड मिल्क को मिक्सी के जार में डाल देती है राइट right? एंड फिर मिक्सी को ऑन कर देती है थोड़ी देर तक मिक्सी को ऑन करती है जिसमें वो मिक्सी के जार में मिल्क टर्न होता है ट्विस्ट होता है राउंड एंड राउंड मूव होता है एंड फिर कुछ टाइम बाद फाइव ट फाइव टेन मिनट्स के बाद जब मॉम मिक्सी ऑफ करके वो जार का कैप हटाती है तो ऊपर एक बटर का चंग बन के दिखता है राइ right! वैसे ही फ्रॉक के साथ हुआ

और फिर आप ना तो उसको अपनी ब्रेड पे लगा सकते हो ना अपने बंस पे लगा सकते हो फिर मॉम क्या करती हैं उसको बाहर रखती हैं थोड़ी देर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के रखती हैं एंड फिर आपको ब्रेड बटर पे या आपके बंस पे लगा कर आपको खाने को देती हैं तो वैसे ही फ्रॉग ने जो इतनी मेहनत करी थी उससे वो बटर का चंक हार्ड हो गया और क्योंकि वो हार्ड हो गया फ्रॉग ने छठ से उस पर जम्प करा उसको क्लाइम करा और वो फ्रॉक के वो बटक के चंग से वो उछल के वो बड़े से पॉट से बाहर आ गया एंड ही सेव्ड हिज लाइफ राइट यस सो इफ वी हैव एन एवर टू गिव अप एटीट्यूड इन लाइफ वी विल ऑलवेज सक्सीड डिटर्मिनेशन इज द की टू अचीव योर गोल्स एंड टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट आप हमेशा कोशिश करते रहिए कोशिश करते रहिए एक बार फेल होंगे दो बार फेल होंगे तीन बार फेल होंगे बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड प्रैक्टिस विल ऑलवेज ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट ठीक है मेरे किड्स तो आज हम प्रोमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए वी विल नॉट लूज होप वी विल बी वेरी डिटर्मिन इन अचीविंग आर रिजल्ट अचीविंग आर गोल्स That we have set for us, right? So this is the story about a cow and a frog, and it is all about determination. The story tells us that we should be very focused in life, and whatever situation comes in life, we should not give up. With a smile on our face and with the strong willpower, we should go and fight and get good results. So this is what.